कुछ बोलो। मम्मी ने ब्लैक टी शर्ट मेरी उतरवा दी है, वो क्या बोलते हैं अम्मा की चाल थी। हाँ, अम्मा ने एक ऐसा गेम खेला कि ब्लैक शर्ट उतार नहीं रहा था मैं दो तीन दिन से, तो अम्मा ने ऐसा गेम खेला दूरदर्शी सोच वाला। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. हे एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। और ये देखिए मैं वोट देकर आई हूँ, इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊँगी। फिलहाल अभी बज रहे हैं 3:15 और मैं लेट चुकी हूँ पूरी तरह से, इसीलिए अंधेरा है। आज मैंने ब्लॉग में सोचा यहीं से शुरू किया जाए। और मेरे बगल में लेटा है मेरा पति, तो कुछ कहना चाहोगे तुम व्यूअर्स को? व्यूअर्स को ऑलरेडी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ, जो कि आप ऑलरेडी बोल चुकी हैं, बट स्टिल मेरी तरफ से आप सभी को सलाम नमस्ते और सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। बस इनके पास यही है, इसके अलावा और कुछ बोलने को नहीं है। बोलने को क्या नहीं है, बोलने को क्या, मतलब मैं एक्चुअली दोपहर में खाना वाना हम लोगों ने खाया, अभी जस्ट खाना खा के अब लेटे हैं, तो लेटने के बाद यार फिर मतलब आराम करो, मौज करो। तो खाना वाना खा लिया है और आज पिया है बेल का शरबत जो कि बनाया था पापा ने, बहुत ही ज़बरदस्त। हाँ, बेल का शरबत जो कि मुझे, मैंने पहले इन लोगों को एक बहुत ही हीरोइक कहानी बनाई कि मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा होता वैसा होता, कड़वा होता, और बाद में हचक के पी लिया मैंने। बहुत ज़बरदस्त बना भी था, जो बात बना अच्छा था। तो आज मैंने तो मेरे अब्बा ने बनाया। हाँ, और आज मेरे सर में दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सो जाऊँ। इनके सर में रोज़ दर्द होता है भाई, झूठ, एहसास नहीं है इस आदमी को, पता है दोस्तों इस बात में रत्ती भर का एहसास नहीं है। तो फिलहाल हम, मैं जा रही हूँ सोने और आपसे मिलेंगे और सीधा उठने के बाद। ठीक, और मेरे नेल्स देखिए दोस्तों कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ओह, ये ब्लैक शर्ट पे दिखेंगे यार, ये देखो अच्छे से, ये बड़े बड़े हो गए मेरे नेल्स। इग्नोर इस आदमी की दाढ़ी दोस्तों। जी, सो के हम लोग उठ चुके थे और आ चुके छत पे, काफ़ी देर हो गई है और ये बैठे हैं। मम्मी ने ब्लैक टी शर्ट मेरी उतरवा दी है, वो क्या बोलते हैं अम्मा की चाल थी। हाँ, अम्मा ने एक ऐसा गेम खेला कि ब्लैक शर्ट उतार नहीं रहा था मैं दो तीन दिन से, तो अम्मा ने एक ऐसा गेम खेला दूरदर्शी सोच वाला कि क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसी दूरदर्शी सोच वाला गेम खेला है कि मुझे लेने भेज दिया आटा। अब भाई 25 से 30 किलो आटा एक बोरी ऐसे उठाना, वो भी एक टाइफाइड से उठे हुए मरीज के लिए। ओ, सिंपैथी सिंपैथी बटवारा, सिंपैथी सिंपैथी। तो ये एक बहुत ही बड़ा टास्क था और सीने का जान लगानी पड़ी, तो सीने से एक बार ऐसे लगा के उसको उठाई है बोली को, और मेरी पूरी ब्लैक शर्ट पूरी वाइट हो गई आगे से, तो इसी चक्कर में उतारना पड़ा। और उतारने के बाद अब ये पीली टी शर्ट हल्दी वाली पहने हुए हम, जो कि अच्छी लग रही है, जो कि अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी, जो कि अच्छी लग रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हो रहा है 7 बजने वाले हैं, अजानों का टाइम हो रहा है, ठीक 7 बज रहे हैं, अजानों का टाइम हो रहा है। अजानों के बाद अब मैं जा रहा हूँ सीधा नमाज पढ़ने, तो मिलते हैं आपको सीधा नमाज वापस पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद वापस आने के बाद। यस, तो जी शाम के बाद सीधा छत से हम लोग उतर आए थे, उसके बाद आ गए थे घर में और खाना वाना खा के टहल रहे हैं। बज रहे हैं रात के 11:15 या 11:30 आई थिंक, और थोड़ा सा खाना खाया है तो बचाना भी ज़रूरी है। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, गर्मी में बड़े कमी दिन होते हैं जिसमें बड़ी अच्छी हवा मिलती है, तो आज वो दिन है, मतलब आज वो रात है, मतलब जो भी समझ लिए आज वो है, तो आज बहुत अच्छी हवा चल रही है। फिलहाल शाम से मौसम अच्छा है, दिन भर तो बहुत ही गर्मी थी, दिन में तो सोना भी मुफीद था। तो फिलहाल अभी टहल रहे हैं, टहल के जैसे अंदर जाते हैं वैसे आप लोगों से मिलते हैं, आगे की अपडेट घर के अंदर। तो जी टहल वहल के आ चुके हैं घर के अंदर और अब तैयारी है सोने की, जैसा कि आप देख सकते हैं मच्छरदानी लग चुकी है। तो आजकल के ब्लॉग्स बड़े छोटे आ रहे हैं क्योंकि आजकल ना दिन पता नहीं कैसे चल रहे हैं कि आजकल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है। और हाँ, ये जो निशान है इसकी बात मैं बताने वाली थी सोने से पहले जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो अब मैं बता दूँ कि ये वोट मैंने अपने जीवन का पहला वोट दिया है, मेरी ज़िंदगी का पहला वोट है ये। हाँ, ये मेरा पहला वोट है। तो मेरा वोटर आई डी कार्ड बना था पर मैं वोट देने जाती नहीं थी, मतलब नेट नॉट दैट मीन्स कि मतलब पहले जाती नहीं थी, का मतलब यह है कि अब मैं अपनी एज तो नहीं बताना चाहती, लेकिन मेरा वोटर आई डी कार्ड बना है। उससे पहले उसके बाद मैं 18 साल, मतलब मैं 18 साल की हो गई उसके बाद मेरा वोटर आई डी कार्ड बना, देन उसके बाद ही मेरा पहला चुनाव पड़ा है जिसमें मैं क्या बोलते हैं बालिग हूँ, वोट देने की मतलब अधिकार है मेरा, इसमें पहला चुनाव था इसलिए मेरा पहला वोट गया है।
और मुझे खुशी है कि मैंने एकदम सही उम्मीदवार को चुना है इस बार के लिए। तो और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने भी बहुत ही सूझबूझ के साथ और सब चीज़ों को देखते हुए वोट दिया होगा अच्छी जगह और सही जगह। उम्मीद तो यही है, अब रिज़ल्ट आने में पता चलेगा कि कितनों ने सही जगह दिया था। तो फिलहाल इसी वोट के साथ मेरी यही कहानी थी कि मेरा पहला वोट था और बहुत ज़रूरी था। तो मैं इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू YouTube चैनल व्हिच इज खुशनूर्स व्लॉग। ख्याल रखिएगा।